वहीं खबर भोपाल से है, जहां प्रदेश सरकार को आज ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल आ रहे एम्फोटेरेसिन के 1910 इंजेक्शन मिले हैं। वहीं सरकार इन्हें अब हवाई मार्ग से अन्य जिलों में भेजने की तैयारी में है। देखें पूरी खबर। कोरोना महामारी में जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन बाजार से गायब हुआ था, वही मरीजों के परिजनों के लिए भी इसे हासिल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वैसे ही अब ब्लैक फंगस के इलाज के लिए प्रयोग में आने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरिसिम की कमी हो गई है, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से इंजेक्शन की आपूर्ति शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बाद ब्लैक फंगस से पीड़ित और परेशान हो रहे मध्य प्रदेश के मरीजों के इलाज के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार को आज ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल में आ रहे एम्फोटेरिसिन के 1910 इंजेक्शन मिले हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर जानकारी दी कि सरकार को 1910 इंजेक्शन उपलब्ध हो गए हैं और इन्हें हवाई मार्ग से अन्य जिलों में भेजने के इंतजाम में लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीएन भारत।